हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, थोड़ी आप तकलीफ जरूर आपको मिली है मैं जानता हूँ, यदि आपका बैक पेपर हुआ है, फिर आप फेल हुए हो। ठीक है, तो जो फेल हुआ है वो आपको तो पता है, एक्स पेपर एक्स फॉर्म डालेगा, बाकी जो इम्प्रूवमेंट डाले हैं और उसके बाद में आपने बैक पेपर डाला है, या फिर आप देखते हो 2021 की बात करने वाला हूँ, 2021 में इम्प्रूवमेंट या फिर बैक पेपर जिसने भी डाला है या री एग्जाम डाला है, बात वही है। और मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, जिसने भी और जिसकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आने वाले, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, कोई किसी को दिक्कत हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, समझ रहे मेरी बात को, या आप सिंपली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखना, मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा एक बात जो आपको काफी मोहित करने वाली है। आपको यह तो पता होगा कि लोग अक्सर बदल जाते हैं, समझ रहे हो, अच्छे लोग मिल जाए। अब जीएफ बीएफ की बात नहीं कर रहा हूं कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारी तो बदल गए या बॉयफ्रेंड था ऐसा बदल गया, मतलब होता है ऐसे लोगों के साथ, बदल जाते हैं अक्सर, होता है। आपके साथ कभी हुआ है बताओ, जिसके जीएफओ वो मतलब छोड़ के चले गए हो, इसका बीएफओ छोड़ के चला गया हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बात कहने की मैं बोल रहा हूं, जब लोग बदल सकते हैं, जब मैं यहां कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन हाँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, समझ रहे हो, उसके क्या हुआ वो समझ सकते हो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है, समझ गए, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। बदलने दो, हम किस्मत बदलेंगे, हम क्या बदलेंगे, जब लोग बदलते हैं तो हम किस्मत बदलेंगे। अब कुछ भी हो जाए तैयारी वो करेंगे तो दुनिया याद करेगी हमें। बीएससी देखो, बहुत सारे छात्रों के मेरे पास कॉल ऐसे भी याद आते हैं जो कहते हैं कि यार मेरी वाली ने ये बोल दिया सर, कि मतलब सबके साथ में, दोस्त के साथ में, आप सबको अपना दोस्त मानता हूं, बहुत सारे लोग मुझे अपने रिलेशन के बारे में बता देते हैं फोन पे, लेकिन मैं ऐसा कुछ फिर क्या बोला, बहुत सारे ऐसे बोला जाते हैं मेरे साथ में, तो मैं यहाँ सबको मेंटेन कर रहा हूँ, आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, दिल से जानते हो, दिल से प्यार करता हूँ आप सब, बहुत ज्यादा एक लफ्जों में कह सकते हैं कि आप हमारी जान है। अब जान का मतलब समझ सकते हैं, मतलब इसको बयां नहीं कर सकते इस प्यार को, तो प्यार करते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों से, क्योंकि हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। जो बच्चों के बैग आती है ना, उस पे क्या बीतती है, वो अपने परिवार को कभी नहीं बताता कि मेरी बैग है, वो चुप चुप रहता है, वो बाहर से खुश होता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है। उसके लिए ही मैं हेल्प करने के लिए, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सभी छात्रों से ये कहूंगा कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आप उनको पढ़ लो, वादा मैं कर सकता हूं आपसे कि आप इतने अच्छे नंबर लेके आएंगे कि आप याद करेंगे कि हाँ सच में सर जो कहा वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, मजा आ गया, ऐसा कुछ मैं सुनना चाहता हूं आपके दिल से, वो खुशी जो अंदर से आती है वही यार आप सबके प्रति प्यार जगाती है, समझ रहे हो ना। तो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मैं मानता हूं, और हमेशा आप रहोगे मेरे साथ ये भी मुझे पता है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करेंगे आपसे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे टिक लगाते हैं, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, चावल या फिर गेहूं या फिर गन्ना की जो खेती होती है वो कैसे की जाती है। अब यार ऐसा एक ही बंदा होगा जिसको पता ना होगा, समझ रहे हो, सबको पता होगा कि चावल गन्ना की खेती कैसे की जाती है, सबको पता होगा, बिल्कुल बना के लिखाएंगे कि इतने टाइम, मतलब गेहूं क्या है, अब नवंबर में गेहूं बोया जाता है, ठीक है, और मार्च अक्टूबर में काट लिया जाता है, 6 महीना बाद कट जाएगा यार, अक्टूबर में कट मतलब कि वही मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में जब कट जाता है, फिर हम इस कैसे झाड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके भूसे को क्या करें, सब वही करना है,
खाद लगाते हैं, कितना पानी लगाते हैं, सब लिख दो यार। इसमें यही तो है बॉटनी फर्स्ट पेपर में, क्या है कुछ और थोड़ी है, फसलों के बारे में दे रखा है उसने। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। गेहूं कैसे होता है, चावल कैसे होता है, गन्ना कैसे होता है, कैसे छीलते हैं, क्या करते हैं, हसरा लेके जाते हैं, सब कुछ लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कृषि की उत्पत्ति और कृषि के उपयोग और यूज के बारे में सब कुछ लिखेंगे आप, ठीक है, लिख दोगे, सबको पता है। एक बार पढ़ लोगे, बुक से पढ़ लेना एक बार इस क्वेश्चन को, बस पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया छूट गए। आप एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कितने टाइम में क्या होता है, कैसा होता है, सब कुछ वो आप लिख देंगे, ठीक है। इसकी कितनी फसलें आती हैं, क्या क्या नाम से इन फसलों के नाम होते हैं, गन्ना के नाम क्या होते हैं, गेहूं की जो प्रजातियों के नाम क्या होते हैं, चावल की प्रजातियों के नाम होते हैं, आप सबको लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सहसंबंध का अर्थ क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। और उसके बाद में आता है वाष्पशील तेल क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पौधों के संरक्षण पर निबंध बताओ, पौधे हैं, कोई भी प्लांट है लगा हुआ, उसकी देखभाल आप कैसे करेंगे, संरक्षण का मतलब यही होता है, ऊपर निबंध लिखना है कि भाई ये कोई पौधा है उसके संरक्षण पर निबंध लिखिए, आप याद करेंगे। अफीम के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और परपरागण क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं उनके बारे में याद करेंगे। देखिए ये बहुत जरूरी है, मॉड एंड बहुलक, मोड एंड बहुलक, ठीक है, बहुत जरूरी है, इसको आप याद करेंगे। काई वर्ग टेस्ट क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके ओके। मसाले वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे, औषधि वाले पौधों के बारे में याद करेंगे, औषधि जैसे कि नीम हो गया, अर्जुन हो गया, ये औषधि वाले पौधे होते हैं, इनको पढ़ेंगे। मसाले वाले पौधे जैसे कि हमारी काली मिर्च वगैरह हो गई, लौंग हो गया, ये सब कुछ जो मसाले वाले पौधे हैं, मिर्च वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हॉट स्पॉट क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लोगे सब कुछ याद हो जाएगा मेरे दोस्त, दिल से पढ़ लेना, समझ रहे हो, दिल से पढ़ना है आपको। उसके बाद में उद्भव केंद्र क्या होता है, इसको आप देखेंगे। नारियल का, नारियल तेल का उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये आप देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ देखिए, नीचे जाइए, देखिए पीय पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एल्कोहलिक, एक होता है नॉन एल्कोहलिक, ठीक है, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, बेवरेज के बारे में। नेक्स्ट नीचे हम जाएंगे, रेशम क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, रेशम किस किस से, तो आपको नारियल से, कपास से, जूट से, इससे में रेशम प्राप्त होती है, तो उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी प्रजातियों के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ये फैमिली किस फैमिली से होता है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा कि बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, याद रखिए, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, इंडिया के जो प्रमुख बॉटनिकल गार्डन है, चार से पांच पढ़ लीजिए, वही लिख के आना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं, एक बॉटनिकल गार्डन होता है, एक नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क को भी आप याद करेंगे। हमने ऊपर आपको बताया था मद, जिसे मॉड बोला था, मीडियम बोला था, मद बहुलक पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है, मैन मीडियम मॉड बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है यार, जैवी संख्यांक जब पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है, 100% आपसे पूछा जाएगा। मानक विचलन क्या होता है, आप पढ़ के जाएंगे। सीड बैंक क्या होती है, ये आप पढ़ के जाएंगे। और क्रो बैंक क्या होती है, ये क्रियो बैंक जिसे बोलते हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। अफीम मैंने ऊपर बता दी है, पादप संरक्षण ऊपर बता दिया। मानक त्रुटि क्या होती है, ये आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में सतत विकास क्या होता है, ये आप पढ़ के जाएंगे। डेवलपमेंट ऑप्शन बोला जाता है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो आंकड़ों के संगठन संरक्षण, इसके बारे में पढ़ लेना। और नीचे 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 एक, हाँ ये क्वेश्चन आपको बिना है, फील्ड जीन बैंक क्या होते हैं, फील्ड जीन बैंक बस इतना पढ़ लेना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है, इस यूपी में, उत्तराखंड में, अब बिहार से भी है तो भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना कि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। ओके, आजकल की दुनिया है ये मेरे दोस्त, सब पे विश्वास नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनों पर विश्वास कर, और हम आप अपने, हम आपको कभी पराया नहीं सकते। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और अपने भाई बहन जो भी है हाई स्कूल इंटर बीबीएससी में, सबको बता देना है, बीकॉम भी है, आर्मी की तैयारी कर रहा है आपका भाई बहन कोई कर रहा है, तो उन्हें बताओ कि इस चैनल से सब्सक्राइब करो, आर्मी पेपर हैकर को ज्वाइन करो, फटाक से पढ़ो, अच्छे तरीके से बेहतर पढ़ो। मिलते हैं, रखियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, लव यू।